In this video, we will be doing the question number 4 of exercise 2.5 class 7 maths. Express in kg 200 gram, 3470 gram, 4 kg, 8 gram. तो ये हमको ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है. तो ग्राम से केजी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम केजी जो है, केजी को किलोग्राम भी बोलते हैं, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 यानी 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं. तो अगर हमें ग्राम देखें तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम. तो अगर हमें 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम बन रहा है, तो 1 ग्राम में ये 1000 जो है ये इधर आएगा और ये डिवाइड में हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम होगा. तो अगर हमें 2 ग्राम निकालना है तो हो जाएगा 2/1000 ग्राम. अगर हमें 5 ग्राम निकालना है तो वो हो जाएगा 5/1000 किलोग्राम. ये किलोग्राम होगा, ये भी किलोग्राम होगा. उसके बाद अगर हमें 10 ग्राम निकालना है तो वो हो जाएगा 10/1000 किलोग्राम. तो जितने ग्राम को निकालना उतने ग्राम अपॉन 10,000 उतने अपॉन 1000 किलोग्राम हो जाएगा. तो अगर हमारा ये 200 ग्राम है तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं. 200 ग्राम तो हम पहले लिखेंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/10,000 किलोग्राम. तो इफ इट इज 200 ग्राम तो हम लिखेंगे 200/1000 किलोग्राम. तो 200/1000 किलोग्राम में 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो ये बचा 2/10 किलोग्राम. तो अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अभी डेसिमल यहां पर है, 10 है, इसको यहां पर पहुंच जाएगा, 10 को कट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 किलोग्राम. तो ये इसका आंसर होगा. अब सेकंड देखें, सेकंड वाला है 3470. तो 3470 हम यहां लिख लेते हैं 3470 ग्राम. तो हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम. तो 3470 ग्राम इज इक्वल टू 3470/1000 किलोग्राम. तो अभी अगर देखे तो 10 से 10 कट गया, डेसिमल यहां पर है डेसिमल, तो ये 0 से डेसिमल यहां आ जाएगा, ये 0 से डेसिमल यहां आ जाएगा, तो ये बन गया 3.47 किलोग्राम. या इसको हम 3.470 किलोग्राम में लिख सकते हैं. इसको दोबारा कर लेते हैं, इसी को आपको दोबारा करके दिखाते हैं. यहां पर 3470/1000 अगर है तो हम यहां पर डेसिमल, अभी तो 10 काटा तो यहां आ गया, दूसरा 0 काटा तो यहां आ गया, तीसरा 0 काटा तो डेसिमल यहां आ गया, तो ये बन गया 3.470 kg. तो ये आंसर हो गया. अब थर्ड वाला देख लेते हैं. तो थर्ड है 4 किलोग्राम 8 ग्राम. तो हमें पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम. तो 4 किलोग्राम एंड 8 ग्राम को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 4 किलोग्राम तो ऑलरेडी किलोग्राम में, तो हम कुछ नहीं करेंगे, प्लस ये जो 8 ग्राम है इसको हम लिख सकते हैं 8/1000 किलोग्राम. तो 4 किलोग्राम तो ऐसे ही रहेगा, और ये 8/1000 कैसे हो जाएगा, अभी डेसिमल यहां पर है, तो जब 0 काटेंगे तो यहां हो जाएगा, फिर एक और 0 काटेंगे तो यहां हो जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, फिर एक और काटेंगे 0 तो यहां आ जाएगा, यहां 0 हो जाएगा, तो ये बन गया प्लस 0.008. तो यहां 0 लगा देंगे क्योंकि कुछ नहीं है, तो इसलिए किलोग्राम. तो अगर हम इसको ऐड करें तो इसको 4 को हम लिख सकते हैं 4.000, क्योंकि यहां डेसिमल के 30 हैं, इसलिए हमने लिख दिया, और यहां पर लिखा 0.008, तो ये हो जाएगा 4.008. तो हो जाएगा आंसर 4.008 किलोग्राम.
तो ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ क्वेश्चन का। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। बेसिकली हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। 10 ग्राम कितना हो जाएगा? 10/1000 किलोग्राम। तो ऐसे ही हम इसको सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं।